अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कई तरह से अलग है, जैसे कि अलग अलग तरह से वोटिंग करने की प्रक्रिया। लेकिन अमेरिकी चुनाव में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ब्लू वॉल की। आइए जानते हैं कि ब्लू वॉल क्या होती है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TVNet डिजिटल। 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। एक मुहावरा है ब्लू वॉल, लेकिन ये वास्तव में क्या है? ये कैसे तय कर सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस में जाएंगे? राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों को 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में से कम 270 वोट हासिल करने होंगे। हर एक राज्य को उसके अमेरिकी प्रतिनिधियों और सीनेटरों की संख्या के आधार पर इलेक्टोरल आवंटित किए जाते हैं और किसी राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज के वोट उस उम्मीदवार को मिलते हैं जो उस राज्य का लोकप्रिय वोट जीतता है। 50 राज्यों में से ज्यादातर राज्यों ने ऐसे वोटिंग पैटर्न स्थापित किए हैं जो रिपब्लिकन और या फिर डेमोक्रेटिक दोनों के पक्ष में है। 1992 से 18 राज्य, जिनमें से कई देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर मौजूद है, और कोलंबिया जिले ने लगातार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को समर्थन किया है, जिसे ब्लू वॉल कहा जाता है। कुल मिलाकर वो 238 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सबसे बड़ी संख्या में योगदान देते हैं। रिपब्लिकन के गढ़ भी हैं। देश के ज्यादातर दक्षिणी और आंतरिक राज्य रिपब्लिकन के गढ़ हैं, लेकिन टेक्सास और फ्लोरिडा को छोड़कर जहां सिर्फ 40 और 30 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं, ये राज्य कम आबादी वाले हैं और इस प्रकार ये कम इलेक्टोरल वोट भी रखते हैं। कुल मिलाकर ठोस रूप से रिपब्लिकन राज्यों में 218 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो डेमोक्रेट्स को जीतने के लिए किसी भी लंबे समय से रिपब्लिकन राज्यों को सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब उन्हें कुछ स्विंग राज्यों को भी जीतने की जरूरत होती है जहां दोनों पार्टियों का अच्छा प्रदर्शन होता है। डेमोक्रेट्स में ट्रंप को ब्लू वॉल को तोड़ने से रोकना होगा, जैसा कि उन्होंने 2016 में किया था। आज की बात की जाए तो ब्लू वॉल वास्तव में वो 3 राज्य हैं जिन्हें ट्रंप ने बहुत पहले जीता था, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, कुल 44 इलेक्टोरल कॉलेज वोट रखने वाले। ऐसा करने में उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराने के लिए 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल किए। इस मामले में भले ही क्लिंटन ने राष्ट्रीय लोकप्रिय वोट लगभग 2.9 मिलियन से जीता हो, हालांकि जो बाइडेन ने 2020 में इन राज्यों को फिर से पिछली बार जीत लिया था। 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट भी हासिल किए थे क्योंकि उन्होंने ट्रंप को इस लोकप्रिय वोट में 7 मिलियन से ज्यादा वोटों से हराया था। इस साल सर्वे की बात की जाए तो तीनों राज्यों में दौड़ बेहद कड़ी बताई जा रही है, जिसमें वो सबसे ज्यादा कंपटीशन वाले स्पॉट्स बन गए हैं। अगर ट्रंप फिर से इस ब्लू वॉल को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब 2024 में यूएस का अगला राष्ट्रपति कौन बनता है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बहरहाल, इस वीडियो पर अपनी राय बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TVNet डिजिटल पर।